हेलो डियर एरिज, एरिज यानी मेष राशि में सूर्य स्क्वाड रिप्लेसिंग डिटायर से। तो आज हम एरिज यानी मेष राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन, मून साइन या नाम राशि जिससे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये सॉरी गाइस, वर्ड ही भूल गई क्या बोल रही थी मैं। हाँ, ये रीडिंग जो है 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मूनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको इस सप्ताह के लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह ओवरऑल आपके लिए कैसा रह सकता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी, सप्ताह आपकी कैसा रहेगा ये सप्ताह। और लास्ट में हम जो भी आपका क्वेश्चन होगा, एंजल जी आपके क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो देख लेते हैं फटाफट से, 3 मूनोलॉजी के कार्ड लेते हैं जो इस सप्ताह के लिए आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह एरिज राशि के लिए कैसा रहेगा। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, ए विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड प्रॉस्पेरिटी अलाइज हेड। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं, बहुत अच्छे मैसेज आपके लिए आए हैं, वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस। इट्स टाइम टू टेक एक्शन, आपको जो ये समय है, जो वक्त है, आपको एक्शन लेने का है। हाथ पर हाथ रख कर मत बैठिए, एक्शन लीजिए, अपने काम को की शुरुआत कीजिए। हर हालत में आपकी जीत जरूर होगी। जो भी आपका डिजायर है, जो भी आपका सपना है, वो पूरा होगा। चाहे वो काम के प्रति है, लव लाइफ के प्रति है, रिलेशन के प्रति है, और रिश्ते को आगे बढ़ाने के प्रति, जो भी आपका सपना है वहाँ आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, आप आगे बढ़ेंगे। और जो जितने भी आप मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, आपको आपकी मेहनत रंग लाएगी, आपकी मेहनत आपको सफलता जरूर मिलेगी, उसमें कामयाबी जरूर मिलेगी। यानी कि हर हालत में आपकी जीत होनी निश्चित है। आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, आपको सुख समृद्धि खुशहाली, नेम और फेम सब कुछ मिलेगा, छप्पर फाड़ कर कुछ ना कुछ मिलेगा आपके सपनों को। यानी कि जो भी आपके डिजायर हैं, जो भी आपके काम हैं, वहाँ आपको जो है कुछ आपका काम डिजायर जो है जरूर पूरे होंगे। तो आप देख लेते हैं ओवरऑल ये सप्ताह आपका एरिज राशि के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज, एरिज राशि के लिए ओवरऑल ये सप्ताह कैसा रह सकता है। जस्टिस, 4 of Wands एंड 8 of Pentacles एंड बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ कप्स। तो जितना आप मेहनत करेंगे उतनी आपको सफलता जरूर मिलेगी, आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। और पहले हम इसमें लव लाइफ की बात करते हैं क्योंकि कार्ड्स लव लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा आए हैं। तो अगर आपका रिश्ता रुक चुका था, थम चुका था, रिलेशनशिप में थे या फिर नए रिश्ते की तरफ आप जाना चाहते हैं, तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, उतना ही आपको सफलता मिलेगी, फ्रूटफुल और कामयाब होगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें मिलेंगी। और आपको जो है अपने सपनों को, अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं, एक दूसरे के लिए रेडी होते हैं, एक दूसरे के लिए तैयार होते हैं, तो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। आप कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आगे जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ आई है, आगे उनकी तरफ से कुछ नहीं होगा। तो जो है, और एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, तो जस्टिस मिलेगा, न्याय मिलेगा, फिर से ये रिश्ता न्यायप्रिय बनेगा। और छोटे मोटे ऑब्स्टिकल, बाधाएं, चैलेंजेस जो भी आएंगे, ये रिश्ता इतना सामर्थ्य रखता है कि उसे आप बाहर निकल सकते हैं और आपको कामयाबी मिल सकती है। लॉन्ग लाइफ आपका ये रिश्ता होगा,
अगर आप कमिटमेंट वगैरह देते हैं और आगे बढ़ाते हैं, और नए रिश्ते में भी अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको नया प्रिय रिश्ता मिलेगा, आपको कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, कोई ना कोई, या तो आप या तो सामने वाला कोई तुला राशि का पर्सन हो सकता है जिसको हर हालत में न्याय प्रिय है, हर हालत में वो न्याय करके आपके साथ चलेगा। तो अब हम जॉब बिजनेस की तरफ आते हैं, तो वहाँ भी अगर आप अपना डिजायर लेकर अपने सपनों को कामयाब करने के लिए उस पर मेहनत करते हैं, तो जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप कोशिश करेंगे, उतनी ही सफलता मिलेगी। और आपके अगर आपका विदेश जाने का सपना है तो कहीं ना कहीं वो भी आपका डिजायर पूरा हो सकता है, घर बनने का, प्रॉपर्टी लेने का, बहुत बहुत अच्छी, हर तरह से बहुत अच्छे कार्ड्स आपके आए हैं। तो जो भी आपके काम हैं, जो भी आपके सपने हैं, वो जरूर पूरे होंगे और कामयाबी मिलेगी और लॉन्ग लाइफ वो चीज़ें आपकी चल सकती हैं। तो आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अगर फौरन जाने का आपका सपना है तो वहाँ वो भी सपना आपका पूरा हो सकता है। जिस चीज़ के लिए आप इतने दिन से परेशान थे, दुखी थे, तो जो काम आपके पूरे नहीं हो रहे थे, तो वहाँ सफलता मिलती आपको दिखाई दे रही है, और वो एक लंबे समय के लिए, एक लंबे वक्त के लिए हुआ। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हर लिहाज से आपके आए हैं, चाहे वो जॉब बिजनेस के लिए हैं, चाहे प्रॉपर्टी के लिए हैं, या फिर लव लाइफ के लिए हैं, या नए रिश्ते के लिए हैं। देख लेते हैं, प्लीज़ आप अपनी आँखें बंद कीजिए और जो भी आपका क्वेश्चन है 10 सेकेंड के लिए अपने मन से दोहराइए, ताकि 3 बार एक ही क्वेश्चन को दोहराइए। जो भी आपका क्वेश्चन है, आप धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोलिए, आपका जो समय है वो पूरा हुआ, और जो भी आपका क्वेश्चन था उसका आंसर आपके सामने है। आपका क्वेश्चन जो भी है उसका आंसर आपके सामने है, ये रहा। रिकवरी, चूज ए न्यू डायरेक्शन, Not the right time, and meditation brings answers. Angel जी आपके question का जवाब देना चाहते हैं कि आपको अपने काम में recovery देखने को मिलेगी, यानी कि आपका काम आगे बढ़ेगा। ये नहीं है कि आपका 100% successful होंगे, लेकिन गुड से बेटर जरूर होगा, और आपको एक नई डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। जिस डायरेक्शन में, जहां आप काम कर रहे हैं, जो आपका है, वो उससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। आप अपने काम को चेंज कीजिए या अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जहां जिस चीज़ में आप लगे हुए हैं, उसमें आपको कामयाबी मिलनी थोड़ा सा मुश्किल है। अभी आपके लिए जो ये समय है, जो वक्त है, अभी सही नहीं है। आपका वक्त अभी अच्छा नहीं चल रहा है। अभी थोड़ा आपको अपने डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा, तब धीरे धीरे करके आप रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए आपको यूनिवर्स ही बताना चाहते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए, आपके अंदर से ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा। किसी और को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपकी आत्मा ही आपके अंदर से आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्या कौन सी डायरेक्शन में आपको जाना चाहिए, कौन सा काम आपको करना चाहिए। तो आपको अपनी परिस्थिति को बदलना होगा, चेंज करना होगा, तभी आपको रिकवरी देखने को मिलेगी। जो समय आपका चल रहा है वो फिलहाल अच्छा नहीं जा रहा है, तो लेकिन धीरे धीरे करके उसमें अगर आप अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, अपनी मंजिल को चेंज कर लेते हैं, तो उसमें धीरे धीरे करके रिकवरी की तरफ जाएंगे और सफलता की तरफ आप बढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।